Dios alabar. इसलिए मैं मजलिस में
नौकरी में किसी भी तरह की कोई कमी न रखूंगी और इंशाल्लाह मैं वही सब अपना तजुर्बा में पेश करूंगी कि जो मुझे करना है। मैं खुदने से पहले एक चीज और अर्ज कर दूं, अभी बच्ची ने पेशवानी के दौरान जो हमने कलाम पेश किया है बहुत अच्छा कलाम था, उसका पहला ही हिस्सा हम उस जिंदगी को हम उस जिंदगी को मौत समझते हैं जिसमें विदाई आगी नहीं है। मेरा ये चीज ये हिस्सा मेरे घर में बहुत गहराई से उतर कर गया है और इंशाल्लाह हम मौत समझते हैं उस जिंदगी को, हम मौत कहते हैं उस जिंदगी को कि जिसमें अली की विदाई ही नहीं है। मेरा मफहूम यही है, मेरे पास थोड़े आगे पीछे हो गए थे तो मैं इंशाल्लाह अपने बयान में इस चीज को जरूर लाऊंगी, इस विषय को जरूर लेकर आऊंगी। एक आपका है सलावत पाना से बोला और ये भी मैं आज करूं कि जब मैं अपनी नौकरी में कोई कोताही नहीं करूंगी तो आप हजरात से भी मेरी यही तवक्को रहेगी कि आप हजरात की दुरूद और सलाम के साथ मेरे साथ साथ सवाब में दाखिल होते रहेंगे और अपना नजराना दुरूद का शहजादी को वक्त पर पेश करते रहेंगे। नारे सलावत और बाब नजरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من الخاسرين. نعيز
सेम मजलिस मैंने अपने बाकायदा खुतबे के बाद कुरान मजीद की एक बहुत ही बेशकीमत आयत को आप हजरात के सामने पेश किया, यही कहूं कि तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। पूरी तरह बेदारी और जागकर आप मजलिस को समाप्त करवाइएगा। इस आयत के जैर में आवाज बयान में मैं आप हजरात शुभत में तर्जुमे से पहले एक चीज अर्ज करना चाहूंगी। कौन इंसान है कि जो अपनी जिंदगी में नफा नहीं चाहता? आप हजरा समझते हैं एक बात, कौन इंसान है कि जो अपनी जिंदगी में नुकसान चाहता है? हर इंसान की फितरत है कि वो अपनी जिंदगी में नफा चाहता है, नुकसान नहीं चाहता। और नफा और नुकसान किस तरीके का वो मैं बताकर तो बहस कर दूं कि नफा और नुकसान एक होता है दुनियावी और एक होता है दायमी। दुनियावी नफा नुकसान जो इंसान की जिंदगी में इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है और जो अमल कर रहा है और उस अमल से जो उसे नफा मिल रहा है उसे हम दुनियावी नफा कहते हैं। जो इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है और उसके अमल से जो उसे नुकसान होता है उसे हम दुनियावी नुकसान कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स एक और नफा और नुकसान है कि जिसे हम कहते हैं कि वो नफा और नुकसान दायमी है। वो कौन सा है आप हजरात वाकिफ है, इसलिए मुझे तो फख्र होता है कि मेरी इस बस्ती में बहुत ज्यादा डीप में या तशरीह करने की जरूरत नहीं होती। तो एक दुनियावी नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान दायमी हुआ। दायमी नुकसान को हम कहते हैं वो नुकसान जो हमें आखिरत में होता है। दायमी नफा हम उस नफे को कहते हैं कि जो हमें आखिरत में मिलता है। लेकिन फितरत इंसानी है कि नफे का मुतमन्नी रहता है, नुकसान गवारा नहीं करता। अब चाहने वालों एक बात अर्ज कर दू, मैं आप हजरात की खिदमत में आने वाले आते हैं दरवाजा छोड़ के बैठे ताकि मजलिस के सिलसिले में खलल ना पड़ने पाए। नारे सलाम इन जुमलों के जहन में मैं शेर साबी का एक जुमला आपकी नजर करूंगी कि वो फरमाते हैं कि क्या हुआ अगर कोई दुनिया की आसाइशों में रहकर मरा या उसकी रूह निकली। हमें दुनिया की तमाम आसाइशें हमारे पास मौजूद हैं, खुदा का शुक्र है हमारे पास गर्मी से पंखे हैं, कूलर हैं, एसी हैं, उसमें भी रूह निकली। या फिर उस इंसान को देखो कि जो फुटपाथ पर अखबार पर सोकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, रूह उसकी भी निकलती है। रूह एसी में रहने वालों की भी निकलती है, रूह फुटपाथ पर रहने वालों की भी निकलती है। तो आप मुझे बताइए फर्क क्या पड़ा? मैं आपसे पूछूंगी कि फर्क क्या पड़ा। लेकिन चाहने वालों एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगी कि अल्लाह कह रहा है कि हमें दुनियावी नफा और नुकसान की तरफ भागना नहीं है, बल्कि हमें दायमी नफा, दायमी फायदा और दायमी नुकसान को देखना है। बहुत एहतियात से मैं जुमले आपकी नजर कर रही हूं, यानी आप सवाल भी पैदा होता है कि जो दायमी नफा और नुकसान है वो हमें मिलेगा कहां से?
बताएं कि नुकसान से बचना चाहते हो तो इस्लाम को कबूल करो। पढ़ी थी बहुत नाजुक दौर से गुजर
तबाकात है और उसमें सबसे निचला तबका वैल है। और यहां पर आए क्या कह रही है, फवैलुल लिल मुसल्ली, इसका मतलब क्या है कि नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल का मकाम है। अब आप कह रही मैं क्या सुनिए कह रही हूं, फवैलुल लिल मुसल्ली का मतलब यही है कि नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल मकाम है, जहन्नुम का निचला तबका। लेकिन कौन सी नमाज पढ़ने वालों के लिए कि जिसके लिए मासूमीन ने आकर पढ़कर कुरान के मायनों को समझाया कि वो मुसलमान के जो नमाज में गफलत करते हैं। इसका मतलब है गफलत। तो इंसान ईमान
ये जो मैंने आयत पढ़ी इसका है कि अगर मेरी बारगाह में नमाज पढ़ने आए हो तो नशे के हालत में ना हो। अब जाहिर बात है कि नशा शराब में तो होता है, तो अल्लाह को सामना तो ये कहना चाहिए था कि मेरी बारगाह में आए हो तो शराब पीकर मतलब, लेकिन कुरान में शराब का नाम नहीं आया बल्कि ये भी
अब बेटा भी है तो बेटे से बार बार कह रही है उठा बेटा नमस्कार होता है, उठा बेटा नमस्कार होता नहीं उठा। फिर एक बार शोर से बोली मेरा बाबा नहीं है, मैं मालिक का बाबा है। बताया कह रही जब घबरा गई और बेटा भी नहीं उठाया, उससे कह रही कि जैसे उठा रही हूँ लेकिन ये उठी नहीं आया, ऐसा कोशिश कर दीजिए कि नमाज के लिए उठ चले। मैंने भी कहा, वो कहते मैंने भी कहा भाई उठो नमाज का नींद को लाने
ईमान है, लेकिन ईमान से भी काम नहीं चलेगा। उसके आगे आए कहती है कि उसके साथ साथ अमल भी करे। Thank you.
मुसलमान नाम ये नहीं है कि मैं कल
नहीं होंगी, पर मैं इसको एक बात तक समझ रही हूँ जो आप आज इसमें बैठे हैं। आपकी इबादत तमाम करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन बात मुकम्मल हो जाए तो मेरे अर्ज किया कि नमाज दीन का सुतून है। देखिए मैं आपके साथ एक बात और ऐसा करूं कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज इतनी अहम है, नमाज इतनी इंपॉर्टेंट है, नमाज इतनी अमलियत पर है कि अगर नमाज कबूल है तो सारे अमाल कबूल है, और अगर आई
एक इंसान को कहा ना करो क्योंकि का हुक्म मैंने कुरान मजीद ने दिया है वो नाज काबिले कबूल है। तो हमें मिजान इस्लामी को पहचानना होगा। मिजान इस्लामी क्या है? बस आखिरी कलम में कुछ चीजें मैं और बता दूं। एक मोमिन को खाने खिलाने का कितना सवाब है आप बता सकते हैं कि मोमिन को खाने खिलाने का कितना सवाब है? अरे आप क्या बताएंगे मोमिन को खाने खिलाने का सवाब ना अंबिया को मालूम है और ना फरिश्तों को मालूम है। Yeah.
किया था। बेचारे गरीब थी, बड़ा सुंदर लग रहा था ना उस लड़की को, बड़ा सुंदर लुक आया था इंशाल्लाह। तो वो जो शिया थी, नासिया शिया स्कूल है मॉडल था, तो जो शिया थी वो ये करती थी कि किसी बच्चे की प्लेट खा जाती, कोई लड़की को छोड़ दिया, प्याला उठा के धो के रख दिया, किसी का सामान रख दिया, जब वो आया उसे दे दिया, बेटा तुम ये छोड़ गए थे और ये आपका है। तो बच्चे क्या कहते हैं, किसी ने पैसे 5 रुपए दे दिए, किसी ने 10 रुपए दे दिए। लेकिन उन साहिबा का जो शिया थी जिनको वो दे रहे थे, उनका ज्यादा सुख था कि जो नासिया सुनने का था, जो भी मिलती हो 500 हजार जो भी मिलते हो उससे तो अपना खाता खा चलाती थी, गरीब औरत थी, लेकिन वो 10-5 रुपया बच्चे दे देते उससे वो गुंडा पे डालती है, उसे तो गुल्ले में बनाती रहती। और जब मुहर्रम आता था, इमाम के पास आए, आने के बाद माला ने साहब
ज्यादा इस्लामी से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि आपने मना कर दिया था। अब देखिए डॉक्टर ने एक ही
की मत करो और स्पेशली उन लोगों की जो गरीब है, स्पेशली उन लोगों की के जो अल्लाह के यानी उन चीजों से नेमा आप नेमा की बात कर रहे तो नेमतों के लिए अगर तुमने महसूस कर लिया है तो उसके लिए शुक्र अदा करो। अगर दौलत लेनी है ये नेमत है शुक्र अदा करो। अकल लेनी है नेमत है आईपीएस बन गए आईएएस बन गए बहुत बड़े अफसर बन गए नेमत लेनी शुक्र अदा करो। चाहती हूँ इसलिए फालिज एक मरतबा देना मुंह टेढ़ा हो जाएगा बोल लेकर काफी नहीं रोड़ोगे कभी फॉल किया इस चीज के ऊपर। अगर नेमतें नींद है हो गए तो
मैं आप बता रहा हूँ तारीख का बड़े कृष्ण को चुन रहा है मैं आपके जब मैं दर्श कर लू मैं आपके जैन में से इतने सरदार को ऊपर से नीचे तक देखा है और मैंने एक बात कहा कि सैयद सरदार क्या कह रहे हो कहा पति अपना यजीद ने रिहा कर दिया है तो लाल जैन ने गुमला क्या कर दिया Yeah.
मेरे मौला हमारी बातों को